हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे, हर एक पार्ट्स का काम क्या है और कौन से पार्ट्स को कब रिप्लेस करना चाहिए, ये सारा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेम्बरशिप नहीं लिए हैं तो अभी तुरंत जाकर मेम्बरशिप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम है और इसी डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि कौन से इक्विपमेंट का क्या नाम है और वर्क क्या है और कब उसको रिप्लेस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शाफ्ट को देख लेते हैं। ये जो देख रहा है आप लोगों को, जिस पे एरो मार्क है, वो शाफ्ट है पंप का। इसी शाफ्ट में हर एक इक्विपमेंट फिट है, बियरिंग से लेके इम्पेलर से लेके मैकेनिकल सील, स्लीव, ग्लैंड, लेटरन रिंग, वाटर डिफ्लेक्टर, सारा चीज़ इस शाफ्ट पे कनेक्ट होता है। ये एक ड्राइव शाफ्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये शाफ्ट है, यही सारा इक्विपमेंट को ड्राइव करता है। इस शाफ्ट में सबसे पहले इंस्टॉल होता है, यहाँ पे आप जो जगह दिख रहा है, यहाँ पे ड्राइव करने के लिए एक कपलिंग रहता है। कोई भी टाइप का कपलिंग हो सकता है, जो कपलिंग, आपका पिन बुश कपलिंग, कोई भी टाइप का कपलिंग हो सकता है। तो इस जगह पे एक कपलिंग रहता है और कपलिंग के साथ एक स्पाइडर रहता है, जिसको हम लोग को स्पाइडर को 6 महीने में एक बार इंस्पेक्शन करना चाहिए। महीने में भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं आप लोग इसका, और अगर डैमेज मिले तो उसको रिप्लेस करना है। महीने में स्पाइडर डैमेज नहीं होता है, अगर अलाइनमेंट वगैरह सही नहीं होगा तो हर एक महीना आपका स्पाइडर डैमेज हो सकता है, नहीं तो ये 1 साल तक भी चल जाता है स्पाइडर। तो आप लोगों को स्पाइडर का इंस्पेक्शन करना है और रिप्लेस करना है। दूसरा, कपलिंग का, कपलिंग कब रिप्लेस किया जाता है। कपलिंग रिप्लेस बहुत रियर केस में होता है, जब कपलिंग डैमेज हो जाए। डैमेज होने का कारण एक ही है, अलाइनमेंट सही ना होना। अलाइनमेंट सही नहीं होता है जिसके कारण स्पाइडर डैमेज होता है, और स्पाइडर डैमेज होने के बाद कपलिंग डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को कपलिंग को रिप्लेस करना पड़ता है। अदरवाइज़ कपलिंग रिप्लेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा यूज कर सकते हैं। कास्ट आयरन का ज़्यादातर आता है तो उसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर डैमेज नहीं होता है अगर अलाइनमेंट सही हो तो। ठीक है, अब जानते हैं इसके हाउसिंग के बारे में। ये एक हाउसिंग है, ये अलग पार्ट है पंप के साथ, ये अलग पार्ट आता है। और हाउसिंग को कब रिप्लेस किया जाता है, हाउसिंग भी रिप्लेस नहीं होता है। ये हाउसिंग पंप का 6-6 साल, 10-10 साल तक चल जाता है, अगर इसका मेंटेनेंस सही तरीके से किया जाए तो, टाइमली बेयरिंग चेंज किया जाए तो, बेयरिंग हीट हो रहा है तो बेयरिंग को रिप्लेस किया जाए तो इसका हाउसिंग लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। हाउसिंग में क्या चीज़ चेक किया जाता है, हाउसिंग में एक ही चीज़ चेक किया जाता है कि बेयरिंग उस पर टाइट फिट जाना चाहिए। अगर हाउसिंग के अंदर बेयरिंग लूज जा रहा है, मतलब हाउसिंग का जो इनर डाया है वो डैमेज हो गया है और हम लोग को हाउसिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये एक ही कारण से डैमेज होता है। अगर बेयरिंग बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, लुब्रिकेशन टाइमली नहीं होता है, लुब्रिकेशन ऑयल टाइमली टॉपअप नहीं किया जाता है, तो बेयरिंग हीट होते हुए और ये हाउसिंग को डैमेज कर देता है उसके इनर पार्ट को, और बेयरिंग आपका उस पर प्ले हो जाएगा। तब जब भी बेयरिंग प्ले लगे तो आपको हाउसिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये 6-10 साल तक भी हाउसिंग एक एक पंप का चल जाता है, अगर सही तरीके से मेंटेनेंस किया जाए तो। अब जानते हैं बेयरिंग के बारे में। बेयरिंग का क्या काम है पंप में, बेयरिंग क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। कोई भी इक्विपमेंट में बेयरिंग इसलिए लगाया जाता है कि उसके फ्रिक्शन को कम किया जाए। तो बेयरिंग का क्या काम है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेयरिंग का ज़रूरत पड़ता है हर एक इक्विपमेंट में। अब बेयरिंग कब रिप्लेस किया जाता है, बेयरिंग भी 3-4 साल तक चल जाता है अगर सही तरीके से मेंटेनेंस करोगे तो, नहीं तो वो भी आपको 6 महीने साल भर में रिप्लेस करना पड़ेगा अगर आपने टाइमली उसका लुब्रिकेशन नहीं किया, टाइमली उसका ग्रीसिंग, अगर ग्रीस लुब्रिकेट है तो ग्रीस नहीं किया, ऑयल लुब्रिकेट है तो ऑयल नहीं टॉपअप किया, तो आपका बेयरिंग भी 6 महीने में डैमेज हो जाएगा। और अगर सही तरीके से मेंटेनेंस कीजिएगा, टाइमली लुब्रिकेशन ऑयल चेंज कीजिएगा, टाइमली ग्रीसिंग कीजिएगा, तो बेयरिंग भी 6-10 साल, 12 साल तक चल जाता है एक एक इक्विपमेंट का, हमने खुद देखा हुआ है।
तो आपको मेंटेनेंस सही तरीके से करना है। अब जानते हैं हाउजिंग के अंदर जो चैम्बर दिख रहा है उस चैम्बर पे लुब्रिकेशन ऑयल रहता है या तो ग्रीस पॉइंट है तो ग्रीस उस पे पैक रहेगा, वो आपको कब रिप्लेस करना है। अगर ग्रीसिंग का ग्रीस लुब्रिकेट है तो आप उसको हर एक महीने ग्रीसिंग कर सकते हैं। अगर ऑयल लुब्रिकेट है तो हर एक 6 महीने में आप लुब्रिकेशन ऑयल को रिप्लेस कर दीजिए, इससे आपके इक्विपमेंट का लाइफ बहुत अच्छा बने रहेगा। और अगर ग्रीस लुब्रिकेट है तो महीने में एक बार ज़रूर लुब्रिकेट कीजिए उसको, ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं वाटर डिफ्लेक्टर के बारे में। वाटर डिफ्लेक्टर का क्या काम है? वाटर डिफ्लेक्टर का काम ग्लैंड वाले पंप में जिस पे ग्लैंड पुशर या ग्लैंड पैकिंग लगे रहते हैं उस पे आपको वाटर डिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। वाटर डिफ्लेक्टर का काम है जो ग्लैंड से पानी निकलेगा उसको बेयरिंग के अंदर ना जाने दे या जाने से रोकता है, वही काम है वाटर डिफ्लेक्टर का। उसको लिक्विड डिफ्लेक्टर भी बोला जाता है। ये मैकेनिकल सील टाइप वाले पंप में नहीं देखने को मिलेगा, ग्लैंड टाइप के जो पंप रहेंगे जिस पे ग्लैंड पुशर लगे हुए रहेंगे उस पे आपको देखने को उस तरह का वाटर डिफ्लेक्टर मिल जाएगा। अब चलते हैं स्लीव के ऊपर। इस जगह पे एक स्लीव फिट होता है, उस स्लीव को कब रिप्लेस किया जाता है? अगर मैकेनिकल सील टाइप पंप है तो स्लीव को रिप्लेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्लीव डैमेज नहीं होता है। अगर ग्लैंड पैकिंग वाला पंप है तो आपको स्लीव को हर एक 6 महीने में चेक करना चाहिए। अगर ग्लैंड से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो स्लीव हो सकता है कट गया हो, आपको स्लीव को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर मैकेनिकल सील टाइप है तो उस पर स्लीव का रिप्लेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर स्लीव डैमेज नहीं होता है। अब जानते हैं ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील के बारे में। ग्लैंड पैकिंग को आपको हर एक 6 महीने में रिप्लेस करना चाहिए, इससे क्या होगा आपका स्लीव का लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर स्लीव डैमेज नहीं है तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत रनिंग होने के बाद ग्लैंड पैकिंग हार्ड हो जाता है, हार्डनेस की वजह से बहुत ज़्यादा हीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए 6 महीने में एक बार ग्लैंड पैकिंग को रिप्लेस कीजिए। उसके साथ लेटरन रिंग आता है ग्लैंड पैकिंग के साथ, उसको भी आप 6 महीने में एक बार रिप्लेस कर दीजिए। दोनों का वही काम है जो केसिंग के अंदर का जो पानी है उसको बाहर आने से रोकता है, और ग्लैंड से रेगुलर ड्रॉपिंग वाटर का होते रहता है तो उसको पूरा आप लोग नहीं रोक सकते हैं। पूरा रोकने के लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल सील को कब रिप्लेस किया जाता है? मैकेनिकल सील आपका 3-4 साल तक आराम से रनिंग कर जाता है। अगर बीच में लीकेज हो जाए तो ही रिप्लेस करना है, नहीं तो 3-4 साल के बाद उसको खोल के उसके फेस सरफेस को चेक करना है। अगर फेस सरफेस घिस गया है तो ही रिप्लेस कीजिए, अदरवाइज़ आप मैकेनिकल सील को आराम से 4-5 साल तक चला सकते हैं अगर लीकेज नहीं हो रहा है तो। अब जानते हैं इसके इम्पेलर के बारे में। इम्पेलर को कब रिप्लेस किया जाता है और इम्पेलर का काम क्या है? इम्पेलर का ही मेन काम है, जो वाटर को प्रेशराइज करता है वो इम्पेलर ही है। प्रेशराइज करेगा, फ्लो डिस्चार्ज करेगा, वो इम्पेलर के वजह से ही होता है। तो इम्पेलर को हम लोग को क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए? इम्पेलर को हम लोग को इम्पेलर के वेंस को टाइमली चेक करना चाहिए। अगर इम्पेलर का वेन घिस गया है तो इम्पेलर को रिप्लेस कर दीजिए। पता कैसे चलेगा इम्पेलर का वेन घिस गया है? आपको पंप का जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली कम होते हुए दिखेगा। अगर उसका प्रेशर ड्रॉप कर गया है और इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना है इम्पेलर को। इम्पेलर को जब आप डिसमेंटल करोगे तो आपको घिसा हुआ दिखेगा। अगर उस तरह से घिसा हुआ है या कोरोटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो इम्पेलर को रिप्लेस करना है। ये भी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है, 5-6 साल तक आराम से एक एक इम्पेलर चल जाता है। तो ये ज़्यादातर चेंज नहीं करना पड़ता है। पंप में आपको 2 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एक, जो कपलिंग में स्पाइडर लगा हुआ रहता है स्पाइडर को रेगुलर चेक करना है, और दूसरा लुब्रिकेशन। अगर ग्रीस लुब्रिकेट है तो ग्रीसिंग करना टाइमली, और ऑयल लुब्रिकेशन है तो ऑयल को रिप्लेस करना टाइमली। ये 2 चीज़ अगर आप कर लोगे तो आपके इक्विपमेंट का बियरिंग का लाइफ, स्लीव का लाइफ, इम्पेलर का लाइफ, सारा चीज़ का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बीच बीच में अगर ग्लैंड पैकिंग टाइप का पंप है तो ग्लैंड पैकिंग को रिप्लेस करना है लेटरन रिंग के साथ। जब भी रिप्लेस कीजिए साथ में लेटरन रिंग को
रिप्लेस कर देना है आप लोगों को। इससे क्या होगा, आपका स्लीव का जो इक्विपमेंट में जो स्लीव फिट रहता है वो स्लीव का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कपलिंग क्या करता है, कपलिंग पंप को ड्राइव करता है, ओनली ड्राइव के लिए कपलिंग और स्पाइडर दिया जाता है। बेयरिंग का क्या काम है, बेयरिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेयरिंग फिट किया जाता है। ऑयल और ग्रीस का क्या काम है, बेयरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर डिफ्लेक्टर का क्या काम है, वाटर को बेयरिंग के अंदर जाने से रोकने का काम वाटर डिफ्लेक्टर का है। स्लीव का क्या काम है, स्लीव आपको शाफ्ट को डैमेज नहीं होने देगा, क्योंकि स्लीव से ज़्यादा कॉस्ट शाफ्ट का होता है। मैकेनिकल सील और ग्लैंड पैकिंग का क्या काम है, वो केसिंग के अंदर से जो पानी है उसको बाहर आने से रोकता है। और इम्पेलर का क्या काम है, इम्पेलर हम लोग के पंप के प्रेशर को जनरेट करता है और एक जगह से लिक्विड को लेके दूसरे जगह को डिस्चार्ज करने में सबसे महत्वपूर्ण काम इम्पेलर का है और उसके साथ वेंस का है। इम्पेलर में बहुत सारे वेंस बने हुए रहते हैं, उसी का काम है। केसिंग वगैरह रेगुलर चलते रहता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं आते हैं। केसिंग रिंग वगैरह रहते हैं वो बहुत 5 साल 6 साल में एक बार डैमेज होता है, तो उसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।